किसान भाइयों नमस्कार। वर्तमान में जो खरीफ मौसम में सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है और किसान भाई ऐसी परिस्थिति में बुवाई का, क्योंकि बुवाई बहुत समय से करना पड़ती है और समय मिलने पर करते हैं किसान भाई, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से किसान भाई ऐसे रहते हैं जो खाद एवं उर्वरक जो प्रबंधन है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी फसल अच्छी हो, समुचित वृद्धि हो और साथ ही कीड़े एवं रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो, तो इस प्रकार से हमें उर्वरक प्रबंधन एक बार और कर सकते हैं, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जल में विलेय उर्वरक, तो पानी में घुलनशील उर्वरक है जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें नत्रजन फास्फोरस पोटास 18-18-18 या नत्रजन फास्फोरस पोटास 19-19-19 की जो मात्रा है वो एक टंकी में 100 ग्राम घोल बना करके उसका छिड़काव करें। इस प्रकार से एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 किलोग्राम 19-19-19 या 18-18-18 इनका जो छिड़काव अगर फसल में फूल आने से पहले यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है समुचित वृद्धि करेगी और साथ में कीड़े और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करेगी। एक बात का जरूर ध्यान दें कि उसकी जो मात्रा है करीब करीब 100 ग्राम एक टंकी जो 15 लीटर पानी में 100 ग्राम मात्रा को अच्छे से घोल करके और फूल आने से पहले करीब करीब 30 से 35 दिन की अवस्था में इसका जो छिड़काव है हम कर सकते हैं। और साथ ही आजकल घुलनशील सल्फर भी आ रहा है बाज़ार में, तो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे सही उचित मात्रा सल्फर की भी फसल में पहुँचेगी। तो इस प्रकार से समस्त अनुशंसित मात्रा उर्वरक की पहुँच जाएगी और हमारी फसल बहुत अच्छे से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।